तो बीसी क्लाउड कंप्यूटिंग ए आई एम एल या साइबर सिक्योरिटी या कोई भी स्पेशलाइजेशन में हम करना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है या कि सिंपल बी सी हमें करना जनरल बी सी करना चाहिए तो सैलरी कहाँ अच्छी मिलेगी बी सी जनरल में अच्छी मिलेगी या फिर स्पेशलाइजेशन में मिलेगी हायर स्टडीज के लिए क्या बेहतर होता है तो इसी टॉपिक पे यार तीन चार पॉइंट्स में हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में तो बिगा देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट इस मायने मेंचिंग तुषा बड़ियाल यूट्यूब चैनल सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं यार कि जो बच्चे बीसी स्पेशलाइजेशन होता क्या है तो यार बीसी स्पेशलाइजेशन एक ऐसा होता है यार जहां पे कुछ कुछ कॉलेजेस आपको ये ऑप्शन देती है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना बीसीए कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल बी सी ए इन साइबर सिक्योरिटी बी सी एन ए आई एम एल बी सी ए इन क्लाउड कंप्यूटिंग बीसीए इन डेटा साइंस तो इस तरीके से यार आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो कि जो आपके लिए बेहतर है उस हिसाब से यार आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो कॉलेज तो अब बात करते हैं यार एलिजिबिलिटी और कोर्स करिकुलम में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो ज़्यादातर कॉलेज में यार आपको ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी यार ऐसा नहीं होता है कि यार बीस ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छा पढ़ावा होना चाहिए तभी आपको बी सी स्पेशलाइजेशन कोई मिलेगी तो एलिजिबिलिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी ये कॉलेज टू कॉलेज मैटर करता है तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो ज़्यादातर में यार आपकी साठ से ऊपर यहाँ परसेंटेज होनी चाहिए पचपन या साठ से ऊपर और कोई सी भी यहाँ पे आप बैकग्राउंड के हो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब बिल्कुल कर सकते हैं काफ़ी सारे आर्ट्स के बच्चों को भी ये लगता है कि हम बी नहीं कर सकते हैं बी स्पेशलाइजेशन में नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता यार बिल्कुल आप कर सकते हो कोई भी कर सकता है बी सी ए साइंस का हो आर्ट्स का हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का हो मैं भी यार कॉमर्स बैकग्राउंड से था और फिर मैंने जाके यहाँ पे बी सी ए करी थी कोर्स करिकुलम की बात करें तो यार कोर्स करिकुलम में यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फॉर एग्जांपल आपने बी सी एंड डेटा साइंस यहाँ पर चूज़ किया तो फिर आपको ज़्यादा यहाँ पर फोकस होगा कि आपको डेटा साइंस पर पढ़ाएंगे डेटा साइंस को आपको इन डेप्थ में चीज़ें कवर करेंगे वहीं पे अगर आप एक बी सी जनरल करते हो तो वहाँ पे आपको मिक्स में कोर्स मिलेगा कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे साइंस के और अकाउंट्स के सब्जेक्ट भी डालते थे यहाँ पे बी सी के कोर्स करिकुलम में जो कि यार वो फालतू सी चीज़ है मतलब उसका मुझे ऐसा लगता है कि कोई नीड नहीं होता है जैसे कि मेरे फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स पढ़ाई जा रही थी और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाई जा रही थी तो ये कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं यार मतलब तो आगे जाके यार अगर आप जॉब करोगे तो सच ये अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट आपके कोई काम नहीं आएंगे सो कोर्स करिकुलम अगर यार आप यहाँ पे ट्वेल्थ के बच्चे हो आपने किसी भी फील्ड को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया है और अगर आपका मन बन गया कि नहीं मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है मुझे बी से साइबर सिक्योरिटी में ही करना है तो आप जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हो कोर्स करिकुलम एक बार अच्छे से चेक कर लेना और एलिजिबिलिटी तो मैंने बताया ही है ऐसा कुछ ज़्यादा टफ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है कोई भी यहाँ पे ले सकता है और ये कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा सा डिपेंड करता है बट हाँ बैकग्राउंड सारे अलाउड होते हैं कॉमर्स आर्ट्स और साइंस ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है तो सैलरी और जॉब की बात करें उससे पहले यार मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है कॉलेज विद्या तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं यार जो यहाँ पर ऑनलाइन बी की तलाश में है और बेस्ट कॉलेजेस यहाँ पर हमें नहीं मिल पाती हैं तो ये कॉलेज विद्या की वेबसाइट यार आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है आपको सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बताती है जहाँ से आप ऑनलाइन एट डिस्टेंस पी सी ए कर सकते हो नॉट जस्ट पी सी ए अगर आप एम सी या एम बी ए या और भी कोई यू जी पी जी की डिग्री करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स यहाँ पे यार देते हैं जैसे कि वीडियो काउंसलिंग का आपको यहाँ पे फीचर मिलता है तो आप इनसे डेडिकेटेड बात करके यहाँ पे पता कर सकते हो कौन सी आपके लिए बेस्ट है तो आप देख सकते हो यार कि यहाँ पे बेस्ट बी सी की कॉलेजेस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और बेस्ट पार्ट होता है कि यार मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकता हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे को यार ये दो कॉलेजेस अच्छी लगी एस तो मैं यहाँ पे एड टू कंपेयर पे क्लिक करूंगा उसके बाद में एक और एड कंपैरिजन में जाके मैं कोई सी भी दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे कि हो गए ये वाली यूनिवर्सिटी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद में कंपेयर नाउ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद यार मेरे को यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन ये बता देगा फीस में यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता देगा तो आपकी प्रेफरेंस वो है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एलिजिबिलिटी सिलेबस किसका क्या है कंपनीज़ कौन सी यहाँ पे प्लेसमेंट आता है उस हिसाब से कंपेयर करके बता देगा साथ ही साथ यार यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ पे किस कॉलेज में कितना है वो यहाँ पर ये बता देंगे ई फैसिलिटी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे इस कॉलेज में यार ई फैसिलिटी अवेलेबल है और इस कॉलेज में नहीं है तो अगर आपकी वो प्रेफरेंस है तो उस हिसाब से भी यार यहाँ पे आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो उसके बाद में जो भी आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है उस पर आप प्रोसीड कर सकते हो एंड प्रोसीड तो जैसे यार ये कॉलेज यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है तो आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हो फॉर एक्जाम्पल मैंने साइबर सिक्योरिटी चूज कर लिया फिर मैं प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी करूँगा तो उसके बाद यार ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो आप देख सकते हो यार हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो अब मैं यहाँ पे आराम से यहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके जो भी मुझे बीसी का कोर्स है मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो बहुत ही इजी प्रोसेस है यार काफ़ी सही वेबसाइट है लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके आप चेकआउट कर सकते हो तो अब सैलरीज एंड जॉब के बारे में बात कर लेते हैं यार कि क्या किस में ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिलती है तो सैलरी यार ये एक बहुत ही डिपेंड करती है एक बच्चा यार जिसने बी से जनरल करा है वो भी यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब यहाँ पे ले सकता है साइबर सिक्योरिटी की ले सकता है डेटा साइंस की ले सकता है वहीं पर अगर जो बी स्पेशलाइजेशन वाला बंदा है वो भी यार यहाँ पर जाके जॉब ले सकता है डिपेंड करता है कि यार आपका इंटरेस्ट कैसे है तो फॉर एग्जांपल एक बी का बच्चा है जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग किया है तो यार कंपनीज़ अगर वो रेज्यूमर में देखेंगी तो थोड़ा सा उसको एक हल्का सा एडवांटेज होगा क्योंकि ये जो बंदा है इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है जो बी जनरल का करके आया और फॉर एक्जाम इस केस में यार मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका जो बी जनरल है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पढ़ाया गया है और ये बंदा जिसने बी क्लाउड कंप्यूटिंग करा है इसने यार इसको थोड़ा सा प्रिफ्रेंस दिया जाएगा अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब्स हैं तो ठीक है बट अगर उसके अलावा कोई दूसरी टेक्नोलॉजीज की जॉब हो गई जैसे साइबर सिक्योरिटी तो फिर ये दोनों यार लगभग बराबर ही हो जाते हैं तो दोनों की जिसकी स्किल सेट ज़्यादा अच्छी होगी उसको यहाँ पर जॉब प्रीफ्रेंस मिलेगी अब बात करें सैलरी की तो यार हाँ अगर फॉर एग्जांपल आपने बी सी ए स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग करा है ठीक है तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब्स में जाओगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे पैकेज अच्छा मिल सकता है एज़ कम्पेयरट टू ये जो जनरल बंदा है बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा यार फॉर एग्ज़ाम्पल चार लाख की जॉब लगेगी आप इसकी जो जिसने बी सी इन क्लाउड कंप्यूटिंग किया है और क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब ली है और यहाँ पे ये बंदा जिसने बी सी जनरल का है तो इसको 3.5 मिल सकता है ठीक है तो पचास हज़ार का या एक लाख तक का डिफरेंस आएगा इससे कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आएगा अब ये चीज़ और डिपेंड भी करती है यार ये बच्चा है अगर इसने बी सी क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा सा यहाँ पे सीख लिया चीज़ें बहुत अच्छा कर लिया तो ये बंदा क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत अच्छे से यहाँ पे जा सकता है तो यार ये चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन बट इन जनरल यार आप इस बेसिस पे डिसीजन मत लेना कि यार अगर मैं स्पेशलाइजेशन में ही ज़्यादा सैलरी मिलती तो मैं स्पेशलाइजेशन ही ले, ले लेता हूँ या ले लेती हूँ तो ऐसे आपको डिसाइड नहीं करना यार आप देखो अगर आपका इंटरेस्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आपको डीप में टच करना है तो फिर आप यहाँ पे बी स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हो अब काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट होता है यार कि हमने अगर बी क्लाउड कंप्यूटिंग में कर लिया तो बाकी जो अदर जॉब्स हैं हमें वो नहीं मिलेंगी ऐसा भी नहीं होता यार ठीक है आपने माना कि आपने बी से क्लाउड कंप्यूटिंग में किया है बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग की ही जॉब्स आपको मिलेंगी नहीं आ, आप अदर जॉब्स के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो यार प्रोग्रामिंग बेसिक लैंग्वेज तो कैसा भी बी सी हो वहाँ पर सिखाएंगे यार जावा और ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग है ये तो वहाँ पे एक लैंग्वेज तो यहाँ पे डेफिनेटली वो सिखाएंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के और अदर जॉब्स के लिए भी यार आप ओपन होते हो तो ऐसा टेंशन मत लेना अगर आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया है फॉर एग्जाम्पल आपने बी सैंड डेटा साइंस ले लिया है आप डेटा साइंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं अदर जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो लगती है जॉब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने डेटा साइंस में बी सी डेटा साइंस ले लिया तो आप बस डेटा साइंस की जॉब में ही जॉब ही लगेगी आपकी ऐसा नहीं है आप अदर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आप अदर जॉब्स में भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो हायर स्टडीज़ की बात करें तो यार हायर स्टडीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपने कोई सी भी स्पेशलाइजेशन की है आप बिल्कुल एम जो बच्चे सोचते हैं हम निम कर पाएंगे बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसा कुछ यहाँ पे इशू नहीं आएगा तो आप एम भी कर सकते हो एम भी कर सकते हो उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी कि बी सी जनरल वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी या फिर किसी ने स्पेशलाइजेशन किया तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसा कुछ नहीं है सब यहाँ पे एलिजिबल होते हैं यार हायर स्टडीज़ के लिए तो उस चीज़ में यार आपको टेंशन लेने की नहीं है तो डिसीजन कैसे ले बी सी एस जनरल के लिए जाना चाहिए या फिर बी सी स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहिए तो सिंपल सी चीज़ है यार अगर आप अभी ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हो तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा या फिर आप इलेवंथ के बच्चे हो तो आप क्या कर सकते हो यार आप देखो अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और देखो आपका कहीं पर इंटरेस्ट आ रहा है क्या काफी सारे बच्चे होते हैं यार जो ट्वेल्थ में साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं ठीक है तो वो अगर बी सी इन साइबर सिक्योरिटी उनका एक इंटरेस्ट है तो वो वो यहाँ पे जनरल की तरफ नहीं जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि अब मैं साइबर सिक्योरिटी को ही अच्छे से पढ़ूंगा तो वो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं अब ऐसा अगर आप ऐसे बच्चे हो यार जिनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा कंफ्यूज हो तो बिल्कुल आप बी सी जनरल के लिए चल जाओ यार कोई दिक्कत नहीं है आप अलग से भी यहाँ पे पढ़ सकते हो इंटरनेट में इतने रिसोर्सेज हैं अगर बी सी जनरल में फिर आपका किसी में इंटरेस्ट आ गया तो आप यहाँ पे अलग से पढ़ सकते हो जरूरी थोड़ी डिग्री में पढ़ना है या फिर आप आगे जाके एम करते हो तो एम आप स्पेशलाइजेशन में कर सकते हो कोई इशू नहीं है और एक और रास्ता ये भी होता है यार जब आपने बी सी यहाँ पर कर लिया है अपना उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट आया नहीं मुझे सेल्स फोर्स में जाना है तो ज़रूरी नहीं है आपने बी एस स्पेशलाइजेशन करा होना चाहिए सेल्स फोर्स में बेसिक आपको आता है जावा एस टीमल सी बेसिक चीज़ें आपको अगर आती हैं तो उस बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद में वो कंपनी आपको तीन चार महीने की ट्रेनिंग दे चीज़ें सिखा के यहाँ पर होगा तो ऐसी चीज़ें हो जाती है तो घबराने की दिक्कत नहीं यार सारी चीज़ें होती हैं इतना कोई मेजर नहीं है यार अगर आपको ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हो लेवेंथ क्लास के बच्चे हो अगर आपको कोई चीज़ स्पेसिफ़िक आप ये देखो आपका इंटरेस्ट है और स्पेसिफिक कोई चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना है तो उस बेस पर यार आप डिसाइड कर सकते हो स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो जिसमें भी इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस ई ए एम एल अब ये भी मत देखना कि यार किस में ज़्यादा स्कोप है उस हिसाब से जाके आप यहाँ पर डिसाइड कर लो कि किसी कोई यहाँ पर देख ली किसी ने हमें सजेस्ट कर दिया कि नहीं बस डेटा साइंस में बहुत स्कोप है बाकी सब बेकार है तो जाके आपने बी स डेटा साइंस कर लिया और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई डेटा साइंस पढ़ने में तो वो देख ऐसा डिसीजन भी मत करना ठीक है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सीधा सा बी सी जनरल में एडमिशन ले लो और अलग अलग चीज़ें खुद से एक्सप्लोर कर लो अगर आपको नहीं स... स्पेसिफिक फील्ड में नहीं जाना है तो मैंने भी यही किया था कि मैंने बी जनरल करा ठीक है उसके बाद मैंने अपने आप से यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को भी एक्सप्लोर किया साइबर सिक्योरिटी को भी किया उसके बाद में डेटा साइंस ए आई एम एल इन सब को भी किया वेब डेवलपमेंट को भी मैंने खुद से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो आई होप सो यार आप एक अच्छा जो ये अगर कन्फ्यूज हो अगर क्लास ट्वेल्थ और स्कूल के बच्चे हो तो आई होप सो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प हुई होगी तो इसी बात पे यार सब्सक्राइब कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और एक और नया वीडियो यार मैं जल्द लाऊंगा नेक्स्ट मंथ जो हमारा फर्स्ट वीक है यहाँ पे मे का उसमें यार मैं लाने वाला हूँ एक काफ़ी जो रिक्वेस्टेड वीडियो था कि बैंगलोर में आपके कितने यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस हो जाता है अगर आप जॉब करते हो तो उस टॉपिक पे यार वीडियो जल्द से जल्द यहाँ पे आने वाला है तो वो वीडियो भी यहाँ पर देखना तब तक के लिए चलते हैं दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ